जी शेख, ईमान कमजोर होने की वजूहत क्या है? देखिए, जितने भी मआसी हैं, जितने भी गुनाह हैं, कोई भी गुनाह करने से इंसान के ईमान में कमी वाकई होती है। अगर ईमान का डिफिनेशन आप पढ़ेंगे अहले सुन्ना वल जमा के यहाँ, तो ईमान के डिफिनेशन में वो एक बात जिक्र करते हैं कि यजीद बिताअते वयनकुसु बिलमासिया, कि जब हम नेकी करते हैं तो हमारे ईमान में इजाफा होता है, और जब हम बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारे ईमान में कमी वाकई होती है। तो इंसान जिस कदर बदी करेगा उसी कदर उसके ईमान में कमी वाकई होगी।